हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए काजू रोल की रेसिपी लेके आए हैं। और ये काजू रोल मात्र 10 काजू से हम बनाएंगे और ये 2 मिनट में बनने वाली मिठाई है। और इसमें ना आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले हम काजू लेंगे, ये 10 काजू हैं, ये 4 इलायची ये फ्लेवर के लिए, 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर, 1/2 कटोरी कोकोनट पाउडर और 1/2 कटोरी चीनी है। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम चीनी डालेंगे। इलायची डालेंगे और काजू डाल देंगे। अब इनको हम पीस लेते हैं। ये सारे इसको पीस लिया है, अब इसको एक बाउल में डाल देते हैं। इस पाउडर को हमने बाउल में डाल लिया है और इसमें थोड़ा सा कोकोनट भी पीसेंगे। वैसे पिसा हुआ है, थोड़ा सा पीसेंगे, थोड़ा रुक रुक के पीसे, नहीं तो इसका पाउडर ऑयल छोड़। अब इसको भी इसी बॉल में निकाल लेंगे। ये फटाफट बनने वाली मिठाई और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसमें दूध यूज करेंगे और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, 1-2 चम्मच के करीब, और इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब इसके रोल बनाएंगे। डो को हमने चॉपिंग बोर्ड पे रख लिया, इसके 4 पार्ट्स कर लेंगे डो के। आप चाहो तो कोई भी शेप दे सकते हो इनको, या स्टफ करके भी बना सकते हो, काजू वगैरह पीस के पिस्ता और अंदर दूसरे कर सकते हो। हमारा एक और रेडी हो गया है, काजू रोल रेडी कर लेते हैं। ये रोल रेडी कर लिए, अब इसको हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा सेट हो जाएंगे। फिर मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया, ये सेट हो गया। अब इसको हम कट करते हैं।
काजू रोल हमने कट कर लिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जब तक हम इसको देखेंगे। आप चाहो तो सिर्फ बरकाता वो भी लगा सकते हो, पर हम इसे काजू और पिस्ता से थोड़ा गार्निश लगा देंगे। काजू और रेडी हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।